नमस्कार, यह वीडियो आपका पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित है। इसके पहले हम लोग पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा, उसकी विशेषताएं, फिर पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं और उसकी अवधारणाओं पर विस्तृत चर्चा की है। जब हम पिछले क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने एक विशेषता यह बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का स्तूप उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उस समय हमने ये चर्चा किया था कि इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम उसी को समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र स्तूप क्या है या किसकी चर्चा करता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्तूप, आपको मालूम है कि स्तूप ऐसे बनता है। और मैं एक बात और बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो सजीव घटक हैं वो तीन मैं बताया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। स्तूप के माध्यम से हम यह जानकारी लेते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या ऐसे कहें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले शाकाहारी, मांसाहारी और उत्पादक, इनकी स्थिति क्या है, वो कितनी संख्या में हैं, कौन किस पर किस आधार पर निर्भर है, इसका हम अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी स्तूप में हम एक उदाहरण से समझते हैं। पारिस्थितिकी स्तूप को तीन भागों में विभाजित किया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तीन प्रकार के स्तूप दिखाई देते हैं। पहला है जीव संख्या पिरामिड और दूसरा है जीव भार पिरामिड, तीसरा है संचित ऊर्जा पिरामिड या स्तूप। ये तीन प्रकार के स्तूप हमें दिखाई देते हैं। हम अब इसमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि जीव संख्या पिरामिड क्या है, जीव भार पिरामिड क्या है और संचित ऊर्जा पिरामिड क्या है। इसको ऐसे समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में हम कई प्रकार के परिवार की चर्चा किए थे, जैसे वन, घास, मरुस्थल, टैगा, टुंड्रा, ये सब जैसे भौगोलिक प्रदेश हैं और इन प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो जीव संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा बनेगा, हम जो चर्चा करेंगे वह उत्पादक और उपभोक्ता के आधार पर। उत्पादक और उपभोक्ता के आधार पर हम पिरामिड बनाने का प्रयास करेंगे। तो जीव संख्या जो पिरामिड है वह उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को दर्शाता है। जीव संख्या पिरामिड, ध्यान दीजिए, जीव संख्या पिरामिड उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को दर्शाता है। इसको समझने का प्रयास करें कि ये चीज है क्या। अब हम लेते हैं वन, वन के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी संख्या अधिक होगी, उत्पादक की अधिक होगी कि उपभोक्ता की अधिक होगी। तो जब अब वन के पारिस्थितिकी क्षेत्र के जब हम बारे में चर्चा करेंगे तो सहज है कि सबसे अधिक संख्या पेड़ पौधों और घास फूसों की होगी। तो उत्पादक आधार पर होगा, आधार पर उत्पादक होगा और इस पर निर्भर रहने वाला शाकाहारी होगा। तो जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता दो प्रकार के बताए थे, शाकाहारी और मांसाहारी। तो सबसे ज़्यादा संख्या, ये तो पता हो गया कि उत्पादक सबसे अधिक है, पेड़ पौधों की संख्या, घास फूस की संख्या जंगल में सबसे अधिक है। इसके बाद उपभोक्ता में किसकी संख्या अधिक होगी, शाकाहारी की मांसाहारी की। तो स्वाभाविक है कि सबसे अधिक संख्या जंगल में शाकाहारी जीव जंतुओं की होती है, तो शाकाहारी यहां पर आएगा। फिर उत्पादक पर शाकाहारी निर्भर है, शाकाहारी पर मांसाहारी निर्भर है। तो जंगल में शाकाहारियों से कम संख्या मांसाहारियों की होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये पिरामिड है जीव संख्या के आधार पर, किसी भी पारिस्थितिकी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं और उत्पादकों की संख्या का क्रम क्या है, कौन सबसे अधिक संख्या में है, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है। तो इस आधार पर जब हम पिरामिड बनाते हैं तो ये बनता है, उत्पादक आधार पर होता है, इसके बाद संख्या शाकाहारी की आती है, इसके बाद संख्या मांसाहारी की आती है। तो यह जो पिरामिड बना है इसी को हम सीधा पिरामिड कहते हैं। अगर उत्पादक आधार पर है पिरामिड के, तो माना जाता है कि उस पारिस्थितिकी क्षेत्र का जो स्तूप बनेगा वह सीधा बनेगा। तो ये सीधा है।
और मैंने आपको विशेषता में बताया था कि पारिस्थितिकी स्तूप सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सा पारिस्थितिकी स्तूप होगा जो संख्या के आधार पर उल्टा बनेगा। अगर हम वन के पारिस्थितिकी क्षेत्र को देखें तो सबसे अधिक संख्या उत्पादक की है, पेड़ पौधों की है, उससे कम संख्या शाकाहारी की है, शाकाहारी से कम संख्या मांसाहारी की है, यानी कि स्तूप के शीर्ष पर मांसाहारी होगा। उल्टा कैसे बनेगा? उल्टा ऐसे बनता है स्तूप, यानी कि यहाँ पर उत्पादक होगा, फिर जो है शाकाहारी होगा, फिर मांसाहारी होगा। यानी कि अगर किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या में मांसाहारियों की संख्या सबसे अधिक हो जाए, इसके बाद उससे कम शाकाहारी हो और सबसे कम उत्पादक हो, तब हम कहेंगे कि यह जो पिरामिड है उल्टा बनेगा। तो किस पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा? तो वह बनता है पेड़ का। पेड़ उत्पादक है, पेड़ एक है, और इस पेड़ पर रहने वाले यानी पत्तों पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु की संख्या अधिक है। पेड़ एक है मगर इस पर आश्रित रहने वाले जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, उनकी संख्या अधिक है, और फिर इन कीट पतंगों पर आधारित रहने वाले जो इस पेड़ पर आते हैं मांसाहारी हैं, उनकी संख्या कीट पतंगों से ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि संख्या के आधार पर सिर्फ और सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र में, अगर पर्टिकुलर पेड़ का अगर पारिस्थितिकी तंत्र लिया जाए, सिर्फ एक पेड़ का, तो वहाँ पर देखेंगे कि उत्पादक एक है, उस पर शाकाहारियों की संख्या अधिक है, अधिक निर्भर है। इसके बाद शाकाहारियों से ज़्यादा संख्या उस पेड़ पर रहने वाले मांसाहारियों की है। तो यह जो स्तूप बना वह उल्टा बना, यह स्तूप उल्टा बन गया। और अगर वन, घास, तालाब कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे तो वहाँ का स्तूप हमेशा सीधा बनेगा। तालाब का भी आप ले सकते हैं, ये तालाब है, तालाब के अंदर रहने वाली मछलियाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, और यहाँ इस तालाब में रहने वाले जो इन पर आश्रित हैं उत्पादक, जैसे शैवाल, तो शैवाल की संख्या सबसे अधिक होगी किसी भी तालाब में, और इसके बाद उस शैवाल पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी मछलियाँ की संख्या जो है उससे कम होगी, और जो बड़ी मछलियाँ हैं जो मांसाहारी हैं उनकी संख्या उन शाकाहारियों से कम होगी। तो तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्तूप बनेगा वो भी सीधा बनेगा। तो उल्टा किसका बनेगा? संख्या के आधार पर पेड़ का बनेगा। अब हम चर्चा करते हैं जीव भार के आधार पर बनने वाला स्तूप। जीव भार का तात्पर्य यह है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच भार को दर्शाने वाला स्तूप। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच भार को दर्शाने वाले स्तूप को ही हम जीव भार स्तूप कहते हैं। और जीव संख्या क्या था? संख्या के आधार पर उत्पादक और उपभोक्ता के दर्शाने वाले स्तूप को हम जीव संख्या स्तूप कहा जाता था। भार में होता वजन, किसी भी पारिस्थितिकी क्षेत्र में रहने वाले जो उत्पादक हैं उपभोक्ता हैं किसका वजन ज़्यादा है, तो उस आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का स्तूप बनता है। तो फिर हम एक जंगल का ही उदाहरण लेते हैं, वन का। वन में रहने वाले जितने उत्पादक हैं घास, फूस, पेड़ पौधे, उनका वजन हम निकाल लें, और उपभोक्ता में जो शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं दोनों का अलग अलग वजन निकालें, तो सबसे ज़्यादा वजन पेड़ पौधों का और घास फूस का होगा। तो यानी कि भार के आधार पर भी हम देखते हैं कि वन का जो ये है आपका उत्पादक है भार के आधार पर, वो आधार पर ही है, सबसे अधिक वजन जंगल के रहने वाले उत्पादकों का है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वजन अब हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता में किसका है, मांसाहारी का है कि शाकाहारियों का है। तो जब हम जंगल में शाकाहारी जीव जंतु और मांसाहारियों को अलग करें और फिर जब उनका वजन करें तो उनमें सबसे ज़्यादा वजन शाकाहारी का होगा, तो शाकाहारी मध्य में आया। इसके बाद सबसे कम वजन किसका होगा? मांसाहारी का होगा। तो भार के आधार पर, जीव भार यानी जीवों के वजन के आधार पर अगर हम देखें तो वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह जो है सीधा बन रहा है। और उल्टा मालूम है कैसे बनता है? जब
उत्पादक शीर्ष पर आ जाए और मांसाहारी आधार पर आ जाए तो वह जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। तो अब हम ये देखने का प्रयास करें कि कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है जिसमें जीव भार के आधार पर वह उल्टा बनेगा। जीव संख्या के आधार पर उल्टा बनने वाला जो पारिस्थितिकी स्तूप था उसमें पेड़ था, पर्टिकुलर पेड़ था, लेकिन अगर भार के आधार पर देखें तो उल्टा कौन बनेगा, तो वह है तालाब का। तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है भार के आधार पर उल्टा बनेगा, क्योंकि तालाब के अंदर रहने वाले जो उत्पादक हैं, शैवाल हैं, उनको निकाल करके वजन करें और इस तालाब के अंदर रहने वाली छोटी मछलियां और फिर बड़ी मछलियां, यानी जो शाकाहारी हैं उनका वजन और मांसाहारी का वजन, तो सबसे ज़्यादा तालाब में जिस जीव का वजन सबसे अधिक होगा वो मांसाहारी का होगा, ये उल्टा हो जाता है। तो मांसाहारी जो है आधार पर चला जाएगा यहाँ पर, और उससे बाद उससे कम वजन शाकाहारी का होगा और सबसे कम वजन तालाब में रहने वाले उत्पादक का होगा, शैवालों का, छोटी मोटी जो वनस्पतियाँ हैं, लताएँ हैं, अगर उनका वजन करें पूरा निकाल करके, ऐसे तालाब का जिस तालाब के साथ कोई छेड़छाड़ न किया गया हो, यानी पूरी तरह नेचुरल स्थिति में बना हो, तो वह यह स्थिति बनती है। तो तालाब का जीव भार के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्तूप बनेगा वो उल्टा बनेगा। बहुत ध्यान से इसको करना होगा, परीक्षा में जो है लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तालाब के आधार पर जब हम संख्या के आधार पर जब चर्चा किए थे तो संख्या के आधार पर तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र सीधा बना था, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले संख्या के आधार पर जब हम काउंट करेंगे तो उत्पादक की संख्या सबसे अधिक निकल जाती है और उसके बाद कम संख्या शाकाहारियों की आती है और सबसे कम संख्या जो बड़ी मछलियों का आती है जो मांसाहारी हैं। तो संख्या के आधार पर यह जो तंत्र बनता है तालाब का वो तो सीधा बनता है, लेकिन जब हम भार की बात करते हैं तो यहाँ पर रहने वाले जीवों में सबसे ज़्यादा वजन मांसाहारी मछलियों का हो जाता है और उससे कम वजन शाकाहारी मछलियों का और सबसे कम वजन शैवालों का होता है। तो भार के आधार पर जो उल्टा पिरामिड बनता है वो तालाब का बनता है। परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ तालाब के बारे में ही पूछा जाता है और हमेशा ध्यान जीव संख्या और जीव भार पर ही कंसंट्रेट होना चाहिए। जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए बन जाती है कि एक जगह यह सीधा बनता है और एक जगह उल्टा बनता है। तो उल्टा जो बनता है जीव भार पर बनता है। जब हम उस तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का जब वजन करते हैं तो उसमें मांसाहारियों का वजन सबसे अधिक हो जाता है। तो यह जो है जो मांसाहारी है वो आधार पर चला जाता है और सबसे कम वजन उसका हो जाता है उत्पादक का, यह शीर्ष पर आ जाता है। तो इसलिए पिरामिड उल्टा बन जाता है, जबकि बनना चाहिए ऐसा नहीं होता वहां पर, जबकि संख्या के आधार पर यह पिरामिड सीधा बन जाता है। वहाँ के शैवाल उत्पादक की जब संख्या हम गिनते हैं तो उनकी संख्या सबसे अधिक हो जाती है, उसके बाद संख्या जो है शाकाहारियों की आती है, फिर बाद में मांसाहारियों की आती है। तो हमेशा तालाब को लेकर ही ये प्रश्न पूछा गया है अब तक। हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ और सिर्फ जीव संख्या के आधार पर उल्टा बनेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, और संचित ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है या कभी उल्टा नहीं बनता, क्योंकि जो ऊर्जा का जो प्रवाह है सबसे पहले पेड़ पौधों में आएगा, पेड़ पौधे से बकरी में जाएगा, फिर बकरी से शेर में जाएगा। तो ये रिवर्सेबल नहीं है, यह जब भी जाएगा इसी क्रम में ऊर्जा का प्रसार होगा। इसलिए संचित ऊर्जा का जो प्रसार है उत्पादक के बाद शाकाहारी में जाएगा, फिर शाकाहारी के बाद मांसाहारी में जाएगा, वह इसी क्रम में जाएगा। इसलिए इसका जो स्तूप बनेगा सदैव सीधा बनेगा, जीव भार और जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा बनेगा। हमें आशा है कि आप पारिस्थितिकी तंत्र के स्तूप को समझ गए होंगे। धन्यवाद।